पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में। बुकिंग के लिए तुरंत संपर्क करें। आज ली क्या? इंटरेस्टिंग। रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के साथ। कल्याण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद कल्याण सिंह जी। आपसे इंटरव्यू हो और अयोध्या की बात नहीं हो तो ना तो मुझे अच्छा लगेगा और ना मुझे अच्छा लगेगा, दर्शकों को भी अच्छा नहीं लगेगा, करोड़ों दर्शकों को। और ये सवाल ये करेगा तो मुझे अच्छा ना लगेगा। कल्याण सिंह जी, एक पत्रकार के नाते उस वक्त मैं दैनिक जागरण में पत्रकारिता कर रहा था, वहां सेवा कर रहा था। अयोध्या आंदोलन मैंने बहुत करीब से कवर किया। उस 5 दिसंबर 1992 की रात और 6 दिसंबर 1992 का 11 बजे सुबह तक का समय, उस वक्त आप मुख्यमंत्री थे, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या दबाव कितना था, क्या स्थिति थी, मनस्थिति उस वक्त? बड़े चैन से सोया था, सारी माँ को व्यवस्था कर दी थी। प्रातः काल पूजा करके ढंग से 2-3 मिनिस्टर मेरे पास आ गए थे, ऊपर की मंजिल पर रुके, चाय पकौड़े खाने के लिए ले गया था। अचानक फोन आया था कि साहब इस तरह से वहाँ जो ढांचा था उसका पहला टूट गया है जा करके। माने मैं ये मानता हूँ कि वो घटना अनियोजित थी, अचानक थी, अनप्लैंड थी। हाँ, जो पिछले 4.5 साल तक करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं कुचले गई थी, उनका वो स्वयं स्फूर्त विस्फोट था जो 6 दिसंबर 1992 के ढांचे के विध्वंस से सामने आया। और हो गया सो हो गया। मैंने कभी भी उस ढांचे के जाने के लिए खेद व्यक्त नहीं किया, कभी किसी से मैंने माफी भी नहीं मांगी, मांगूंगा भी नहीं। अरे भाई, आखिर तो वहां पर राम मंदिर था, अब तो अदालत ने स्वीकार कर लिया, चाहे एक ही तिहाई जमीन दी अदालत ने, माना तो वहां जगह मंदिर था तो ये मस्जिद कहां से आ गई? बाबर ने मीर बाकी को भेज करके कहा इस मंदिर को ध्वस्त कीजिएगा या मस्जिद बनाइएगा, जबकि शरीयत कहती है कि किसी पूजा स्थल को तोड़ करके अगर मस्जिद बनाई जाएगी तो उस मस्जिद में अता की गई नमाज को खुदा कबूल नहीं करता। तो ऐसा इन्होंने क्यों किया? केवल इसीलिए किया कि हिंदुओं की पीढ़ियां दर पीढ़ियां अपमानित महसूस करते रहे और समझते रहे कि हमारे ऊपर कोई बावरी शासन करने के लिए आया था। तो चला गया। कल्याण सिंह जी, एक बहुत बहुत नाजुक बात, जब ये ढांचा गिर गया, तूफान आ गया, आना ही था, पता था कि ढांचा गिरेगा तो तूफान आएगा। नरसिंह राव जी के एक मित्र ने मुझे बताया, वो जब वो नरसिंह राव जी से मिले, तो मैं उनका नाम यहाँ नहीं लूंगा क्योंकि अब उनका देहांत हो चुका, तो नरसिंह राव जी से उन्होंने पूछा, और मुझे लगता है ये बात मैं आपसे बेहतर कोई सवाल नहीं, उनका देहांत थोड़ी देर पहले हुआ है जी, तो उन्होंने पूछा कि आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, आप एक्टिव मोड में क्यों नहीं दिखे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। तो उन्होंने जो मुझे बताया कि उस वक्त के प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि मैंने कांग्रेस को बचा लिया। तो उनका परसेप्शन ये है कि कांग्रेस तो इससे नुकसान में गई। उन्होंने कहा नहीं, वो ढांचा रहता, वो 3 गुंबद रहते तो भारतीय जनता पार्टी सालों साल राज करती लखनऊ से दिल्ली तक, सिर्फ 3 गुंबद रहते तो। एक बार तो नुकसान होगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी वास्तविक स्थिति में आके खड़ी हो जाएगी। जो एक कृत्रिम शक्ति भाजपा को इन गुंबदों से मिल रही थी, वो शक्ति मैंने विड्रॉ करवा दी। क्या ये बात, ये व्याख्या जो मैं है, कहता हूं सही है? अगर ये व्याख्या सही है तो हमसे पूछने बजाय कांग्रेस से पूछना चाहिए ना, तो इस व्याख्या से सहमत हो कि नहीं सहमत हो। अगर उन्हें कांग्रेस से बचाने के लिए गुंबद तोड़ने दिए गए थे तो आज गुंबद तोड़े जाने का विरोध विधवा विलाप क्यों करते पार्लियामेंट आकर हर 6 दिसंबर लगा करके? देखिए, उनका क्या सोच रहा होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, दृष्टिकोण क्या रहा होगा मैं नहीं कह सकता हूँ। परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हो गई थी कि उस समय न मैं कुछ कर सकता था, नरसिंह राव कुछ कर सकते थे। जब ज्वार उठता है, 4-5 लाख लोग थे, जब ज्वार उठता है तो कई चीजें बेकाबू हो जाती है। और मेरे कहा ना, दैट वॉज एन अनप्लैंड
unthought incidents, revelation of that distributed structure. और वो हजारों साल से करोड़ों हिंदुओं की कुशली भावना का स्वतः स्फूर्त विस्फोट था, उसे क्यों नहीं स्वीकार करती है दुनिया से जाकर के उसके पीछे पड़े। और तो मैं हाई कोर्ट के उस जजमेंट से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन फिर भी कम से कम इतना तय कर दिया हाई कोर्ट ने, कहा राम जन्मभूमि भी है यहाँ, इतना ही काफी हो गया, नहीं हिस्सा क्यों दे देता कोर्ट हाई कोर्ट। हालांकि उस फैसले से सहमत नहीं है, चाहे कोर्ट में किसी ने डिविजन नहीं मांगा था और सुप्रीम कोर्ट में यह केस चल रहा, जो होगा देखेगी। कल्याण जी, लेकिन उस एक घटना ने आपको दोनों तरह से शिखर पर पहुंचाया, आप आलोचनाओं के शिखर पर भी हो गए और समर्थन भी आपको बहुत मिला। एक ऐसी घटना जिसने आपको मतलब सब देश के सबसे ज्यादा आलोचना की जाने वाले व्यक्ति के तौर पर भी स्थापित कर दिया और एक व्यापक समर्थन वाले नेता के तौर पर भी स्थापित कर दिया। उस ढांचे के टूटने के बाद पार्टी की ओर से देश भ्रमण का मेरा कार्यक्रम बनाया था और उस समय श्रीमान नरेंद्र मोदी उस सारी यात्रा के संयोजक थे, मेरे साथ चलते थे और तभी से उनके और हमारे बीच में बहुत मित्रता के संबंध है और मैं उनके सूझ से कायल हूँ और बहुत इज्जत करता हूँ उस आदमी की। किसी भी प्रदेश में गए लाखों की संख्या में लोग सुनने के लिए आते थे, आए थे, और आप ठीक कहते हैं आलोचक भी हैं और ये भी ठीक कहते हैं कि प्रशंसक भी हैं। तो हर व्यक्ति के किसी कार्य के लिए सबके सब आलोचक हो जाएंगे ये कभी होता नहीं और सबके सब प्रशंसक हो जाएंगे ये कभी होता नहीं, लेकिन हाँ अगर गिनती की जाए तो प्रशंसकों की संख्या भारी पड़ेगी आलोचकों की तुलना में। कल्याण सिंह जी, एक अंतिम सवाल, लगभग आधी सदी की राजनीतिक यात्रा आपने की, अगर मैं ये पूछूं कि कल्याण सिंह क्या चाहते हैं, इस देश की जनता, इस उत्तर प्रदेश की जनता कल्याण सिंह को किस रूप में याद रखे, तो क्या कहेंगे? इतने कहूंगा कि जीवन भर राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित रहा हूं, जीवन के जितने शेष दिन बचे हैं राष्ट्र के और समाज की सेवा में व्यतीत हो, और मेरी इच्छा है कि इस देश के अंदर हिंदुत्व का ज्वार उठे, मेरी इच्छा है कि इस देश के अंदर राष्ट्रवाद की ज्वाला भभके, मेरी इच्छा है कि जो तुष्टिकरण की नीति अपनाई जा रही है ये समाप्त किया जाए, मेरी इच्छा है गांव गरीब किसान का उत्थान हो, मेरी इच्छा है झुग्गी झोपड़े के किसान का उत्थान हो, मेरी इच्छा है नारी के सम्मान का गारंटी हो, और मेरी इच्छा है कि दबे कुचले उजड़े पिछड़े दलित शोषित पीड़ित और अधिकारों से वंचित वर्गों को भी सत्ता में व्यवस्था में विकास और संगठन में सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जिसका नाम देता हूं मैं सामाजिक न्याय, यह है मेरी इच्छा। यही तो आपकी इच्छा है, लेकिन लोग आपको याद किस रूप में रखे? अभी मैं अपनी ओर से क्या बताऊंगी मुझे किस रूप में, उनको जैसे दिखाई देता हूं वैसे रूप में याद कर ले, इतना विश्वास जरूर मुझे कि मुझे बुरे रूप में याद नहीं करेंगे, कभी मुझे बुरे रूप में याद नहीं करेंगे, इतना मैं जानता हूँ। पर किस रूप में याद करते हैं ये तो उनका अधिकार है, पर मेरा विश्वास है मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिंदगी में कभी बेदाग कैरियर अपना, मैंने राजनीति को भी धर्म की तरह से स्वीकार किया, धर्म की तरह से स्वीकार नहीं किया, राजनीति को भी मैंने मिशन के रूप में स्वीकार किया, प्रोफेशन का स्वीकार किया है। आपकी कृपा से अग्निहोत्री जी, एक बार हेल्थ मिनिस्टर, दो बार चीफ मिनिस्टर रह लिया, कुर्ते के इस दामन पर मच्छर द्वारा कोई दाग नहीं, और मुझे इस बात का संतोष, ये संतोष लेकर के दुनिया से विदा होना है। कल्याण सिंह जी, ये आज के दौर में बहुत बड़ी बात है, जब राजनीति काजल की कोठरी हो जाए तब बिना दाग के इतनी लंबी पारी खेल लेना, मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं इसके बारे में कुछ कहूंगा तो आत्म प्रशंसा हो जाएगी, पर आत्म प्रशंसा में विश्वास करता नहीं हूँ, पर हाँ जो कुछ कह रहा हूँ वो प्रत्यक्ष अपने जीवन में उतार के दिखा चुका हूँ, संसार जानता है, मुझे अपनी ओर से कुछ इसमें तर्क या कोई प्रमाण या किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कल्याण सिंह जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल और जवाबों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए समाचार प्लस। अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरण घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने
सुपर टेक, योर्स फॉर लाइफ। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। भले तो वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा लेकर आए हैं वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश, एक ऐसी पुस्तक जो बिना तोड़फोड़ वास्तु दोषों के ऐसे उपाय बताएगी जो आपने ना कभी देखे होंगे ना सुने होंगे। जी हाँ, वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। इस पुस्तक की कीमत है 2100 रुपए, लेकिन समाचार प्लस के माध्यम से इसकी अग्रिम बुकिंग कराने पर ये अद्भुत विश्वकोश अब आप पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में। बुकिंग के लिए तुरंत संपर्क करें। मैं चाहूँगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. Nalanda Laser Sanskar City. At Vrindavan. पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान, लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज, देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। आज क्या उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या कुंडा में डीएसपी जियाउल हक मर्डर केस में सीबीआई ने प्रधान नन्हे यादव के बेटे बबलू को किया गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक बबलू ने कबूली शहीद डीएसपी पर गोली चलाने की बात। अंग्रेजी अखबार ने किया दावा, कानून मंत्री ने बदलवाई सुप्रीम कोर्ट में, पेश करने से पहले कोल ब्लॉक आवंटन की स्टेटस रिपोर्ट। बीजेपी ने कानून मंत्री का मांगा इस्तीफा। दिल्ली में जेडीयू की बैठक में मोदी पर साधा गया निशाना। गुजरात दंगों को लेकर जेडीयू ने मोदी पर बोला हमला, कल होगी प्रधानमंत्री पद पर चर्चा। लखनऊ में नगर निगम ने उतारे अंबेडकर जयंती के मौके पर लगे बीएसपी नेताओं के बैनर होर्डिंग्स। बीएसपी ने सपा ने महापुरुषों के अपमान का सपा पर लगाया आरोप। रामपुर में एआरटीओ ने उतरवाई सपा सांसद जया प्रदा की गाड़ी से लाल बत्ती, सांसद की गाड़ी का चालान भी काटा। राज्य सेतु निगम की स्थापना के 4 दशक पूरे, शिवपाल यादव ने 598 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण, माया पर भी साधा निशाना। यूपी में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल, 23 आईएएस, 41 पीसीएस और 22 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों के हुए तबादले। बुलंदशहर में शहीद की पत्नी अनशन पर बैठी, सीएम को बुलाने की मांग को लेकर परिवार समेत अनशन पर। सूडान में शहीद हुआ था हवलदार हीरालाल। लखनऊ में खाकी की दबंगई ने ली महिला की जान, पुलिस की अभद्रता से महिला को आया हार्ट अटैक, परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम। और देवरिया में गेहूं के खेतों में लगी भीषण आग, आग में 25 एकड़ की खड़ी फसल जलकर खाक, वक्त पर मदद न मिलने से नाराज लोगों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर किया